आता तो है लेकिन बहुत लेट आता है, और जब मैं पूछती हूँ तो गुस्सा करता है। सोचता हूँ कि दोपहर में आओ तो शूटिंग में बिजी रहती है, इसीलिए अभी आया। शूटिंग अच्छी तो चल रही है ना? हाँ अच्छी चल रही है। आउटडोर का प्लान था, उसका क्या हुआ? तू जाने नहीं देगा तो? तेरी मम्मी कहाँ है? तूने फोन किया था ना तू आने वाला है, इसलिए उन्हें बाहर भेज दिया। सुना है तेरा सीरियल डायरेक्टर तुझसे चिपक कर बात करता है? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं किस तरह से? अरे नहीं तू गलत सोच रहा है। आग अगर अपने आप लग जाए तो चलता है, पर लगा ही जाए तो ऑफेंस, गुनाह। दूसरों की स्क्रिप्ट चोरी करके डायरेक्शन देना गलत होता है, बोल देना उसे। हॉस्पिटल चलते हैं। ये सब मेरे साथ होता रहता है। तुम ये बताओ इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी परेशानी तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं। मैं यहाँ से जा रहा था, देखा तुम पे अटैक हो गया इसलिए आ गया। मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा है कहाँ? मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको, किस तरफ जा रहे हो? यशवंतपुरा। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बस इधर ही रोक दो। तुम उसके साथ रहते हो क्या? नमस्कार भाई। हाँ, कल अड्डे पे आकर मुझसे मिलना। किधर? ऑटो वाले से कहना एसिड बाबू, वो तुम्हें खुद लेकर आ जाएगा। बॉस सुबह सुबह तुमने डमी फोन करके 5 लाख का डील कर लिया, और इस समय ये डॉन एसिड बाबू आपको खुद ड्रॉप करके गया। आपका स्कीम क्या है बॉस? अच्छा करने में टाइम लगता है लेकिन बुरा करने में टाइम नहीं लगता। आपको देखकर अब डर लगने लगा है बॉस? बैंक में बैलेंस होना चाहिए या फिर इस तरह के लोग होने चाहिए? एसिड बाबू के सामने मैंने सिंपल सा स्केच डाला और वो मेरी जेब में अटका।
पैसा, पैसा बनाना। हाई वोल्टेज वायर के नीचे कोई घर नहीं बनाना चाहता, और तू तो हाई वोल्टेज वायर को साथ में रखने की बात कर रहा है, थोड़ा सोच लो बॉस। बैंगलोर को गोद लेकर पूरे बैंगलोर में पावर सप्लाई करूंगा। बहुत दिमाग खाता है। अरे मेरा फोन कहाँ गया? एक मिनट अपना फोन देना। ये ले। 99 00। इडियट, दिखने में तो शरीफ दिखते हो और मोबाइल चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? थू, कमा कर खा नहीं सकते? ऑटो सर, आपने जो अड्डा पूछा था यही है। हेलो, होल्ड ऑन। अंदर कहाँ चल दिया रे? अंदर कोई सिनेमा का शो चल रहा है, बता कहाँ जा रहा है? तो जैसे हाफ टिकट वालों से बात करने की आदत नहीं है मुझे। रुकने को बोला ना। अगर ठीक से बोला तो खाना खाएगा, नहीं तो लात खाएगा। तूने अपना नाम नहीं बताया? पूछा ही नहीं। अब बता। मालिक। मतलब ईश्वर, गॉड, तेरे माँ बाप ने अच्छा नाम रखा है तेरा? मेरी मम्मी ने मेरा नाम राम रखा था। मुझे वनवास जाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपना नाम खुद ही बदल दिया, मालिक रख लिया। बता, बुलाया तूने है? मेरे लिए काम करेगा तू? मुझे किसी के अंडर काम करने की आदत नहीं है, करूंगा भी नहीं। डील में 50-50 देगा क्या? पालतू कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, वो काटते कभी नहीं। अपना शिकार खुद करके नॉनवेज खाने वाले टाइगर को साथ में रख, काम आएगा। तेरे अंदर ये जो अहंकार है ना, याद रखना, किसी काम नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले को देखकर सामने वाले को ऐसा ही लगता है जैसा तुझे। तेरा ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे खुशी हो रही है। यही एटीट्यूड तो अंडरवर्ल्ड में नंबर वन बनाता है। इसीलिए मैं 50-50 मांग रहा हूं। डन। हेलो, मालिक जरा मेरे साथ चलो। बस अकेले जाएंगे? मैं फोन करूंगा। 24 घंटे हम लोग इसके पास काम करते हैं और इसने आते ही धाक जमा लिया। तूने पूछा नहीं कि कहाँ जाना? जिसे अपनी जान प्यारी होती है वो पूछता है कहाँ और क्यों, मुझे नहीं है। मानना पड़ेगा तेरे जिगर को। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में हर गैंग को एक पक्का प्लान बनाकर देने वाला एक क्रिमिनल लॉयर है, उसका नाम है शिवाजी घोरपड़े। शहर के गुंडों के लिए एक तरह से वो गॉडफादर है। कितने ही केसेस को कोर्ट में जाने से पहले ही उसने सेटल कर दिया। उसको आने को बोला था ना? फोन किया उसने, आता ही होगा। अब क्या हुआ? मेरे दूसरे बेटे को छुड़वा दो ना सर।
अरे कितनी बार तेरे बेटों को छोड़ा हूं मैं, कभी बड़ा अंदर रहता है तो कभी छोटा अंदर रहता है। दहेज के लिए कितनी बीवियां मारते जा रहे हो तुम लोग, रहने दो उसे अंदर, कम से कम लड़कियां बाहर चैन से तो रहेंगी। पैसा कितना भी लगे लगने दो सर, मुझे पैसों की क्या गर्मी दिखा रहा है, फोन करूंगा तो तेरे बेटे को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। गेट आउट, जैसा बाप वैसे बेटे, सब एक जैसे। आप इस वक्त गुस्से में है, कोर्ट में आकर आपसे मिलता हूँ। मैंने बोला था ना तुझे, कभी किसी को साथ मत लेके आना यहाँ। एक मिनट मालिक, यहाँ किसको लेकर आना है किसको नहीं लेकर आना है मेरी समझ में नहीं आता क्या? यहाँ किसी को लेकर आया हूँ तो आपको पता है उसका कोई मतलब होगा। हाँ अब बताओ मैटर क्या है। मैटर क्या है, मैटर क्या है ये तेरे को मालूम नहीं है क्या? मीरा रोड सर्कल के पास जो लैंड है वहां का कंपाउंड बनाया मैंने, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो तैयार किए मैंने, वो आईटी कंपनी को सेटल कर दूंगा बोल के 5 करोड़ रुपया एडवांस लिया मैंने। देख चाहिए तो तू अपना परसेंटेज ले ले, लेकिन इस डील से तू हमेशा के लिए दूर हट जा। ये मेरी इज्जत का सवाल है, ऑलरेडी इस मैटर में 2 लाशें गिर चुकी हैं। मारेगा मेरे को, मारेगा, मार मार ना बे। ए बाबू बोल इसको, पिस्तौल दिखाकर मेरे को डराए नहीं, बोल इसको। तू इतना फड़फड़ा रहा है तो फिर सेटलमेंट के लिए क्यों बुलाया? तू खुद बाहर ही सेटल कर देता। देख अगर सेटलमेंट के लिए बुलाया है तो चुपचाप सेटलमेंट के बारे में बात कर, अगर कुछ लफड़ा करना है तो बाहर मैदान में चल। सुन ज्यादा उड़ा मत कर, अपनी औकात में रहा कर। आपके सामने ये सब ठीक नहीं लगता, यहाँ पर चौथी बार सेटिंग के लिए आया हूँ, मैं अकेला हूँ आपको पता है ना, फिर क्यों बार बार बुलाते हो? चलो मालिक। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये सब ओपन में होने वाली डील नहीं है, लेकिन तुमने सुनी नहीं। कुछ लोगों को सामने से मारना चाहिए और कुछ को छिपकर। भगवत गीता में भी तो श्री कृष्ण यही कह के गए हैं। कुंटा लड़कों को रेडी कर दे, बेंगलुरु में अब या तो एसिड बाबू रहेगा या फिर मैं। बीपी को बढ़ने नहीं देना चाहिए, अगर बढ़ जाए तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। बाबू बाबू छोड़ने को बोल। तेरे हाथ में घोड़ा होता तो तू छोड़ देता? इतने सालों से हम दोनों एक साथ एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना खाया है हमने। देख दोस्त मैं ये फील्ड छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो यार। अगर तुझे अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो अंडरवर्ल्ड में क्यों आया तू? बाबू इसे छोड़ने को बोल। मालिक पेपर वालों के लिए यह हॉट न्यूज होगी, बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में यह खबर आग की तरह फैल जाएगी। तूने कोई छोटा मोटा विकेट नहीं गिराया इस फील्ड का, वो बहुत बड़ा प्लेयर था, हम दोनों की एंट्री साथ में हुई थी, बड़े बड़े विकेट लिए थे हम लोगों ने। कोई भी प्लेयर साए आ जाए लेकिन फील्ड हमारी होनी चाहिए। छोटा विकेट बड़ा विकेट मायने नहीं रखता, गेम मायने रखता है। घोड़ा निकाल कर माथे पे लगाया तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। माइंड में एक बार प्लान बना तो फिर विकेट गिरना ही चाहिए। अलर्ट होने से अच्छा है कि हम एक्टिवेट हो जाएं तो मैटर क्लोज। बोल रहे बॉस किधर हो? बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए बोला था, इंतजार कर रहा था आपका। आता हूँ रख। कब आ रहे हैं?